पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मंत्री के आगमन पर 10 सवाल तेजस्वी यादव ने फिर से पूछा है। देखिए, स्वाभाविक है, कोई काम है नहीं, ट्विटर पर ही काम है। इन लोगों को जनता में कोई काम इन लोगों ने किया नहीं है। लालू प्रसाद जी बार बार कहते हैं संविधान खतरे में, एक जानना तो चाहते हैं कि 10 साल से मोदी सरकार है, संविधान कहाँ खतरे में है? आरक्षण बढ़ाने का काम किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में पूर्णिया, कटिहार, बांका, किशनगंज और भागलपुर, इन 5 सीटों पर बिहार में वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कहते नजर आए हैं कि जिस तरीके से 10 साल से लोकतंत्र को पीएम मोदी ने बचा कर रखा है, वो आगे भी वैसे ही बचा के रखेंगे। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आए हैं, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से उनसे कई सवाल पूछे थे, जिसका जवाब सम्राट चौधरी देते नजर आए। साफ कह दिया कि इनके पास कोई काम नहीं है, इन्होंने जनता के बीच में कोई काम नहीं किया है, इसीलिए केवल ट्विटर पे यही सवाल पूछने का काम करते रहते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहते नजर आए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पहले आप ये बयान सुने। हो गया है, कैसे देख रहे हैं? एकदम लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र में संविधान को जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल से बचा के रखा है और आगे भी बचा के रखेगा, और अधिक से अधिक लोग निकल कर वोट करें और देश को श्रेष्ठ बनाने में सहयोग। प्रधानमंत्री के आगमन पर 10 सवाल तेजस्वी यादव ने फिर से पूछा है। देखिए, स्वाभाविक है, कोई काम है नहीं, ट्विटर पर ही काम है। इन लोगों को जनता में कोई काम इन लोगों ने किया नहीं है। लालू प्रसाद जी बार बार कहते हैं संविधान खतरे में, एक जानना तो चाहते हैं कि 10 साल से मोदी सरकार है, संविधान कहाँ खतरे में है? आरक्षण बढ़ाने का काम किया गया, आरक्षण लोगों को देने का काम, और आरक्षण विरोधी कोई है तो वो लालू प्रसाद का परिवार है। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, लालू यादव सब पे निशाना साध रहे थे। पीएम मोदी के बिहार आगमन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो उनसे सवाल किए थे, उसको लेकर जवाब देते नजर आए सम्राट चौधरी। कह दिया इनके पास कोई काम है ही नहीं, जनता के बीच में कोई काम किया ही नहीं, इसीलिए इस तरीके के सवाल करते रहते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में इतने काम हुए हैं, लगातार लोकतंत्र को बचा कर रखा है पीएम मोदी ने, संविधान को बचा कर रखा है, और आरक्षण बढ़ाने का भी काम हुआ है पीएम मोदी की सरकार में। और अगर सबसे ज्यादा कोई आरक्षण विरोधी है तो वो लालू यादव और उनका परिवार है। आपको बता दें कि 5 सीट पूर्णिया, बांका, कटिहार, किशनगंज और भागलपुर, इन 5 सीटों पर बिहार में आज वोटिंग चल रही है। सुबह से ही इस 5 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इसको लेकर भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कह दिया कि 10 साल से जिस तरीके से पीएम मोदी ने लोकतंत्र को बचा कर रखा है, आगे भी पीएम मोदी इसी तरीके से लोकतंत्र को बचा कर रखेंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू यादव पर जमकर निशाना साधते नजर आए सम्राट चौधरी। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।